जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे एस्ट्रो चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है जुलाई 2018 मीन राशि का राशिफल। दोस्तों, इस माह आपके लिए जो घटित होने वाला है वह मैं उसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। जिन भी दोस्तों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब या शेयर ना किया हो तो वे अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले उनको नोटिफिकेशन मिल सके और जानकारी लेने में उनको आसानी हो सके। सबसे पहला आज का टॉपिक रहेगा धन लाभ। इस माह खर्च अधिक और आय कम होगी, लेकिन माह के अंत तक रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। दोस्तों, यह महीना आपके लिए धन लाभ के हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है और जो बटे हुए पैसे हैं वो आपको इस माह के तीसरे भाग तक नहीं मिलने की संभावना दिखाई देती है, परंतु अंत में यह माह आपको कुछ न कुछ पैसे की व्यवस्था कराते हुए जाएगा। अब बात करते हैं परिवार और मित्र की। मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना सदस्यता में एकजुटता और प्रेम में वृद्धि होगी। परिवार में आमोद प्रमोद के पल बिताने के आपको समय मिलेगा। इस अवधि में मित्रों व भाई बहन से आपका लगाव दिनों दिन दोगुना होता जाएगा। दोस्तों के साथ किसी भी आनंदमय स्थल पर सैर का मजा भी उठाने के लिए जा सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय दोस्ती और मित्रता के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। परिवार और परिवार के लोगों के बीच में घनिष्ठता, मित्रता और पलों पल उनके बीच की दूरियां कम होती हुई दिखाई देती हैं और साथ ही साथ उन्हें अपनी दोस्ती का पूरा आनंद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं रिश्ते और प्यार की। मीन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव जाग सकता है। मित्रों के साथ घूमने फिरने के कार्यक्रम बनाने की संभावना दिखाई देती है। प्रेम विषयों के लिए आप कुछ अधिक खर्च कर सकते हैं। आपके बीच उपहार का लेन देन भी संभव है। मीन राशि के जातकों के लिए एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में अपनाने के लिए अगर आप प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यदि आप उत्तर दिशा में अपने कार्य के यानी रिश्ते या प्यार में अगर सफलता की ओर बढ़े तो आपको ज़्यादा संभावना है कि सफलता मिलेगी। उत्तर दिशा का आपको ध्यान रखना है। ये महीना आपके लिए उत्तर दिशा के हिसाब से उत्तम रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। आप मौसम अनुसार भोजन का सेवन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रीष्म भोजन कम ही लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के तनाव या गैस की समस्या आपके लिए उत्पन्न ना हो। सैर सपाटे के लिए निकलते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार से स्पाइसी खाना खाने से बचना होगा। कसरत व योग को जीवन में अपनाने से आपके शरीर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मीन राशि के जातकों के लिए शरीर और स्वास्थ्य के लिए यह महीना उत्तम नहीं रहने वाला है, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा और योग वगैरह करते हुए रहना होगा। अब बात कर लेते हैं कैरियर और शिक्षा के लिए। नौकरी पेशा लोगों को इस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है। उच्च अधिकारियों से उलझना ट्रांसफ़र होने के बराबर होगा या फिर नौकरी के खो जाने की भी वजह बन सकता है। महीने के मध्य से आर्थिक मुद्दे को लेकर कोई भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिजनेस स्टॉक प्रॉपर्टी की। महीने के शुरुआत में आपका खर्च बढ़ेगा, आय कम व्यय अधिक होगा, लेकिन महीने के अंत में कहीं रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 9। और आपके लिए जो बात बनती है वो है आपके लिए सबसे अच्छी बात कि आपको हर वक्त जय माता दी कहना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर अगले वीडियो मिलेंगे तब